फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि हेयर यू गो, हेयर यू आर, देयर यू गो, देयर यू आर, इस तरह के सेंटेंसेस का क्या मीनिंग होता है। यानी स्पोकन इंग्लिश में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलता है, तो फिर हम कैसे जाने कि इनका करेक्ट इस्तेमाल क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां आप कहते हैं ये लो या लो। जैसे अगर आपने मुझसे कहा कि क्या आपके पास मोबाइल है, और अगर मुझे ये कहना है हाँ ये लो या हाँ लो, तो फ्रेंड्स जब आप आंसर देते हुए ये कहते हैं लो या ये लो, तो आप इस कंडीशन में ये सभी वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं हेयर यू गो या हेयर यू आर, देयर यू गो या देयर यू आर, इन सभी का मतलब एक ही होता है जो है ये लो या लो। क्या आप अपना कलम मुझे देंगे, विल यू गिव मी योर पेन, हाँ ये लो, यस हेयर यू आर, हेयर यू गो, देयर यू आर एंड देयर यू गो। यानी इन चारों में से आप कोई एक बोल सकते हैं। क्या आप मुझे एक टॉफी देंगे, विल यू गिव मी अ टॉफी, हाँ ये लो या हाँ लो, हेयर यू आर या हेयर यू गो, या फिर आप कहेंगे देयर यू आर, देयर यू गो। यानी इन चारों में से कोई आप बोल सकते हैं जब आपको कहना हो लो या ये लो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हेयर यू गो, हेयर यू आर, देयर यू गो एंड देयर यू आर समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ और वर्ड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सीखा कि जब आप किसी को कोई सामान देंगे और आपको ये कहना हो ये लो, तो आप कहेंगे हेयर यू आर या हेयर यू गो। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ देने की बात नहीं करते हैं, फिर भी हम कह देते हैं ये लो। जैसे कई बार आप अपने घर पे इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे जहां लोग कहते हैं ये लो मैच शुरू हो गया, तो यहां पर आप किसी को कोई चीज दे नहीं रहे हैं। जैसे अगर आप मूवी हॉल में बैठे हैं और आपकी फिल्म अभी शुरू नहीं हो रही है, यानी एड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ पल बाद जब आपकी मूवी शुरू होती है तो अक्सर आप कहते हैं ये लो फिल्म शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, इस केस में जहां आप किसी को कुछ देते नहीं हैं और ये कहते हैं ये लो, तो आप हेयर वी गो का इस्तेमाल करेंगे या हेयर यू गो ना बोलें, बल्कि आप हेयर वी गो बोलें। जब वाकई आप किसी को कोई सामान दे नहीं रहे हैं, बस यूं ही कह रहे हैं ये लो। जैसे ये लो बारिश शुरू हो गई, तो आप कहेंगे हेयर वी गो द रेन स्टार्टेड। अगर आपको कहना हो ये लो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, तो आप कहेंगे हेयर वी गो द बैटरी ऑफ मोबाइल इज डेड। ये लो लाइट चली गई, तो आप कहेंगे हेयर वी गो द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हेयर यू गो, हेयर यू आर, देयर यू गो एंड देयर यू आर समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ और वर्ड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि कोई आदमी आपसे किसी सामान के बारे में पूछता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे मेरा पर्स कहाँ है, या मेरा मोबाइल कहाँ है, या मेरा लैपटॉप कहाँ है, या मेरा ग्लास कहाँ है, तो फ्रेंड्स जब आदमी आपसे किसी चीज के बारे में पूछे कि यह कहाँ है और आपको ये कहना हो कि यहाँ है या वहाँ है, तो आप यहाँ है या वहाँ है के लिए हेयर इट इज या देयर इट इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर किसी ने पूछा मेरा लैपटॉप कहाँ है, वेयर इज माई लैपटॉप, तो अगर आपको कहना हो यहाँ है या ये है, तो आप कहेंगे हेयर इट इज। अगर आपको कहना हो कि वहाँ है या वो है, तो आप कहेंगे देयर इट इज। मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल, यहाँ है हेयर इट इज, वहाँ है देयर इट इज। बाय द वे, अगर हम किसी लिविंग नाउन की बात करें हेयर ही इज, और अगर फीमेल है तो सी इज, या देयर ही इज अगर फीमेल है तो देयर सी इज। तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर, अगर आपको कहना हो यहाँ है तो आप कहेंगे हेयर ही इज। अगर आप किसी फीमेल की बात करें तो आप कहेंगे हेयर सी इज या देयर सी इज। देयर सी इज आप तब बोलेंगे जब आपको कहना हो वहाँ है या वो है। आपके पापा किधर हैं, वेयर योर फादर, अगर आपको कहना हो यहाँ हैं या इधर हैं, तो आप कहेंगे हेयर ही इज। अगर आपको कहना हो वहाँ हैं, तो आप कहेंगे देयर ही इज। आपकी मम्मी कहाँ है, वेयर योर मॉम, आप कहेंगे यहाँ है, तो आप कहेंगे हेयर सी इज। वहाँ है या उधर है, तो आप कहेंगे देयर सी इज। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और बाय द वे, अगर आपने मुझे क्वेश्चन दे रखा है तो आप थोड़ा इंतजार करें, मैं जल्द आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।